नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ एक पेशेंट जिनका नाम पुष्पा शर्मा है। आज हम आप सभी को उनसे मिलवाने जा रहे हैं। उनको काफ़ी टाइम से नेक पेन, हेडेक, मिड बैक पेन, अपर बैक पेन, ये बहुत सारी समस्याएं थी जिसको लेके वो हमारे पास आई। वैसे उनकी पूरी की पूरी स्पाइन का अलाइनमेंट किया और पूरी की पूरी स्पाइन का अलाइनमेंट करने के बाद उनको काफ़ी रिलीफ हुआ। तो एक बार उन्हीं से सुनते हैं कि क्या कहते हैं। मैं पुष्पा शर्मा, मुझे सर्वाइकल था और मुझे 10 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा पेन होता था और मैं एक्सरसाइज करती थी, उसके बाद मुझे रिलीफ हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया और अब 4-5 साल से ही मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं अपनी डेली रूटीन के काम भी नहीं कर पाती थी। अगर मैंने सुबह अपना मॉर्निंग का काम कर लिया तो मैं दिन में 2-3 घंटे लेटना पड़ता था, फिर मैं दोपहर का कुछ कर पाती थी अपना किचन का काम। और मैंने बीच में 2-3 साल टीचिंग भी किया है, उस टाइम भी मुझे भी एग्ज़ाम वगैरह पेपर चेक करना या मुझे काफ़ी रूटीन में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। कभी मैं मसाजर यूज़ करती थी, कभी ये मूव ये लगा लेती थी और मसाजिंग करा ली, कभी किसी से करवा लिया मसाज। और बीच में मैं डॉक्टर के पास भी गई तो उन्होंने मुझे वो दिया था, सर्वाइकल कॉलर भी दिया और मुझे कुछ मेडिसिंस भी दी, बट मुझे परमानेंट रिलीफ नहीं हो रहा था। फिर मैं मुझे डॉक्टर साहब के बारे में पता चला किया और मैं यहाँ पे आई और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। उन्होंने मुझे यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ही मसल्स में पेन था और मैं इवन अब तो मैं चलने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी। चलने के बाद भी मेरे यहाँ पेन स्टार्ट हो जाता था या मैं बाइक पे बैठती थी, कहीं बाहर जाती तो मैं कोई भी डेली रूटीन का मुझे हर चीज़ से काफ़ी परेशानी होने लगी थी। बट डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के बाद मुझे काफ़ी आराम है और अब मैं अपने डेली यूज़ के ये काम कर पा रही हूँ। जब आप चलते थे तो चलने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? कितना टाइम आप नॉर्मल चल पाते थे? उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम आनी शुरू होती थी आप और क्या करते थे? जब मैं चलना स्टार्ट करती थी, मान लो अगर मुझे ये है कि मैं 10 मिनट वॉक कर लूँ, तो मुझे यहाँ पे इतना पेन स्टार्ट हो जाता था और मेरा पेन हेड पूरा ऊपर तक जाता था और इसकी वजह से मुझे काफ़ी चिड़चिड़ाहट भी रहती थी। अब मैं अपना डेली काम कर रही हूँ, मुझे काफ़ी चिड़चिड़ाहट महसूस होती थी। तो उसके बाद मैं अपने हाथों को इस तरह से पीछे कर लेती थी ताकि जो मेरा ये है इस पर बर्डन ना पड़े, मैं अपने हाथों को पीछे जकड़ के चलती थी। हाँ, उसको पीछे कर लेती थी हाथों को, दोनों को, और बिल्कुल जक वो कर लेती थी उससे ताकि मुझे यहाँ पे पेन में रिलीफ हो, इस पे असर ज़्यादा ना पड़े। और मैं बाइक पे भी कहीं चली जाती थी या कहीं भी मुझे अगर बैठना भी पड़ जाए, कहीं पे मैं फंक्शन में गई हूँ कहीं, तो फिर मुझे इतना पेन स्टार्ट हो जाता, मैं वहाँ बैठ नहीं सकती थी, मुझे बीच में लेटना पड़ता था। सबके बीच में चाहे अलग से जाके मुझे ऊपर लेटना पड़े कहीं कमरे में, तो मैं पब्लिकली बैठ नहीं पाती थी ज़्यादा टाइम। अब आपका चलने में क्या सुधार है? चलने में अब मुझे ये चीज़ फील नहीं हो रही है, थोड़ा सा ये है जो ट्रीटमेंट हुआ है उसका जो हल्का सा वो है, लेकिन हाँ सोरनेस है, लेकिन मुझे वहाँ पेन नहीं हो रहा है।
Oh.